नमस्कार दोस्तों, आप में से लगभग सभी रडार क्या होता है ये बात जानते होंगे, इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये बात भी जानते होंगे, और ये बात भी जानते होंगे कि रडार्स को जैम भी किया जा सकता है। रडार्स को सबसे पहले 1935 में ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया गया था, और तब से लेके आज तक रडार्स काफी बेहतर बन चुके हैं और अभी ये काफी दूरी तक भी डिटेक्ट कर सकते हैं। रडार टेक्नोलॉजी अभी काफी बेहतर बन चुकी है, लेकिन जैसे जैसे रडार टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया वैसे वैसे इनको काउंटर करने के लिए भी काउंटर मेजर सिस्टम डेवलप किए गए हैं, और आज भी इनको इफेक्टिवली जैम किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या आपको पता है कि असल में एक रडार को कैसे जैम किया जाता है, और अगर किसी रडार को जैम किया जाता है तो इसका पता कैसे चलता है? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि रडार को किस तरीके से जैम किया जा सकता है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब रडार को कैसे जैम किया जाता है ये जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रडार काम कैसे करता है। तो रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम है, और इससे काफी हद तक पता लग जाता है कि एक रडार क्या चीज है और ये कैसे काम करता है। अब रडार का काम करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि अगर आप किसी खुले जगह में जाके चिल्लाते हैं तो आपका आवाज दूर किसी दीवार में टकरा के या फिर पहाड़ में टकरा के आपको दोबारा सुनाई दे सकता है। अगर आपको एयर में आवाज की स्पीड और इसकी इको सुनाई देने का एग्जैक्ट टाइम पता रहेगा तो आप आराम से आप और उस ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ठीक वैसे ही रडार रेडियो वेव्स को जनरेट करता है। अब ये रडार ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेडियो वेव्स को किस डायरेक्शन में भेजना चाहता है। अब काफ़ी सारे रडार ऐसे होते हैं जिनमें एक ही एंटीना होता है जिसको ट्रांसमिशन के लिए और रिसीव करने के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब ट्रांसमिशन किया जाता है तब रिसीव नहीं किया जाता है। लेकिन ये हमको पता नहीं लगता है क्योंकि सिग्नल के ट्रांसमिशन और रिसीव करने के बीच जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब जिस भी डायरेक्शन में हम सिग्नल को भेज रहे हैं उस एरिया में अगर कोई एयरक्राफ्ट होगा या ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो हमारे रडार वेव जाके उनमें टकराएंगे और रडार की तरफ वापस आएंगे। इसी दौरान रडार का जो रिसीवर है वो इन रिफ्लेक्टेड रडार वेव्स को कलेक्ट करेगी और फिर इसको रडार की प्रोसेसिंग यूनिट में भेज देगी, जहां पर इन रडार सिग्नेचर को प्रीवियसली कलेक्ट किए गए सिग्नेचर के साथ मैच किया जाएगा, और इससे ये पता लग सकता है कि जिसका भी हमने रडार सिग्नेचर को कलेक्ट किया है वो किस टाइप का एयरक्राफ्ट है। और ये सिर्फ उन्हीं एयरक्राफ्ट के लिए पॉसिबल है जिनका रडार सिग्नेचर पहले से रडार में मौजूद होगा, या फिर हमारे रडार में पहले से उस एयरक्राफ्ट की सिग्नेचर के बारे में डाटा मौजूद होगा। अब रडार यहाँ पर सिर्फ एक ही बीम को जनरेट नहीं करता है और ये लगातार ट्रांसमिट और रिसीव करता रहता है, जिस वजह से पहले सिग्नल को रिसीव करने के बाद जब वो दूसरी तीसरी और ऐसे करके आगे सिग्नल को रिसीव करता रहेगा तो उसमें वो डिटेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, स्पीड या फिर एंगुलर डायरेक्शन का पता लगा सकती है। क्योंकि जब सबसे पहला वाला रडार वेव ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आया था, उसके 2 सेकंड बाद जो वेव वापस आएगा उस वक्त तक हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ डिस्टेंस को कवर कर चुका होगा, और ये सब रडार की प्रोसेसिंग यूनिट में मौजूद कंप्यूटर्स अपने आप ही हिसाब लगा लेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी में मौजूद है, कितनी अल्टीट्यूड में मौजूद है, कितने स्पीड में ट्रेवल कर रहा है और हमारे तरफ आ रहा है फिर हमसे दूर जा रहा है। अब हम यहाँ पर सिर्फ रडार की बेसिक से बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि जब पहली बार रडार कोई ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा तो रडार की स्क्रीन में कुछ इस तरीके का ब्लिप जैसा दिखेगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट का आरसीएस जितना ज्यादा होगा डॉट का साइज उतना बड़ा हो सकता है या फिर उतना क्लियर हो सकता है, या फिर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रडार के जितने करीब आता जाएगा ये डॉट उतना क्लियर होता जाएगा। ये इस वजह से होता है क्योंकि आमतौर पर हम जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो जब वो जाके ऑब्जेक्ट से टकराता है और रडार की तरफ वापस आने लगता है तो ट्रांसमिट किए गए सिग्नल के मुताबिक ये काफ़ी वीक होता है, और जितना दूर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा उसी हिसाब से ये और ज़्यादा वीक होता जाएगा, जिस वजह से किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट जब आमतौर पर रडार में पहली बार नज़र आते हैं तो ये छोटे साइज के ब्लिप में नज़र आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पास आते जाते हैं वो और ज़्यादा क्लियर होता जाता है। यहाँ पर आप मान लीजिए कि जो रेड वाला सिग्नल है ये ट्रांसमिट किए गए सिग्नल है और जो ब्लू वाला सिग्नल ही रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाला सिग्नल है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसी चीज का फायदा उठाते हैं और इसी का इस्तेमाल करके आमतौर पर रडार को जैम किया जाता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा रडार किसी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर रहा है, यानी कि हमने इस रेड सिग्नल को भेजा और उस एयरक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट होके ब्लू वाला सिग्नल वापस आ रहा है, तो ऐसे में अभी वो एयरक्राफ्ट हमारे रडार स्क्रीन में एक ब्लिप जैसा नजर आएगा। अब अगर हमारे रडार को वो एयरक्राफ्ट जैम करना चाहेगा तो वो क्या करेगा? अगर उस एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद होगा जो कि आमतौर पर उसकी टेल सेक्शन में मौजूद होना चाहिए, तो वो क्या करेगा कि हमारे रडार से भेजे गए सिग्नल को और एयरक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाले सिग्नल को, इन दोनों को रीड करके एयरक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाले सिग्नल की एक और कॉपी को रडार की तरफ भेजना शुरू करेगा। अब यहाँ पर जो येलो वाला सिग्नल आप देख रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तरफ से भेजा जा रहा है, लेकिन रडार को ये थोड़ी पता लगेगा कि कौन सा वाला सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल और कौन सा वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भेज रहा है।
क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए रेड येलो और ग्रीन करके ये सब बता रहा हूँ, लेकिन असल में सिग्नल तो सिग्नल होता है जिसका कोई कलर नहीं होता है। अब सेम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल रहेगा तो रडार को क्या पता लगेगा कि कौन सा वाला ओरिजिनल और कौन सा वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें छेड़खानी करके भेज रहा है। लेकिन रडार की ओरिजिनल सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तरफ से भेजे जा रहे सिग्नल में थोड़ा सा टाइम डिले रहेगा, जिससे होगा क्या कि रडार को लगेगा कि जो दो सिग्नल अभी वापस आ रहे हैं इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो रडार को लगेगा कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो टारगेट हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक ही सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि असल में एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऐसे मल्टीपल सिग्नल को टाइम डिले के साथ भेजना शुरू कर देगा, जिससे रडार को लगेगा कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे टारगेट हैं, और उस वक्त रडार का जो डिस्प्ले रहेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ऐसे में दुश्मन को ये तो पता होगा कि तुम उस एरिया में मौजूद हो, लेकिन उसको ये नहीं पता लगेगा कि इनमें से असली वाला टारगेट कौन सा है, क्योंकि ये जितने भी ब्लिप अभी रडार स्क्रीन में नजर आ रहे हैं इनमें से सिर्फ एक ही असली वाला एयरक्राफ्ट है, जबकि बाकी सारे के सारे फॉल्स सिग्नल हैं। ऐसे में अगर वो सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करना चाहेंगे तो वो सीरियसली किस टारगेट के ऊपर लॉक करना चाहेंगे ये क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लॉन्च नहीं कर पाएंगे तो वो अपने एयरक्राफ्ट को भेज देंगे, लेकिन तब भी जैसे ग्राउंड बेस्ड रडार को जैम किया जाता है ठीक वैसे ही एयरक्राफ्ट की रडार को भी जैम किया जा सकता है। तो दुश्मन की जो एयरक्राफ्ट है वो बीवीआर रेंज में हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल को फायर नहीं कर पाएंगे, जबकि हमारे एयरक्राफ्ट बीवीआर मिसाइल को उनके ऊपर फायर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे एयरक्राफ्ट दुश्मन के करीब जाते जाएंगे एक ऐसा वक्त आएगा जहां पर रडार को ये पता लग जाएगा कि कौन सा वाला सिग्नल अपना है और कौन सा वाला डुप्लीकेट सिग्नल है, और इससे आगे दुश्मन के रडार वापस काम करना शुरू कर देंगे, और इसको टेक्निकली बर्न थ्रो ECM कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक रडार को जैम कर सकते हैं और कितने करीब तक रडार को जैम कर सकते हैं। अब ये सब तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं कि एक रडार कैसे काम करता है और एक रडार को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से कैसे जैम किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर भी मल्टीपल फंक्शन है जिसमें रडार को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में हम कभी और बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।